सरकार ने भले ही जनता के हितार्थ गांव-गांव में सामूहिक शौचालय का निर्माण किया हो, किंतु जिम्मेदार लोग ठीक सरकार की मंशा के विपरीत कार्य, निजी स्वार्थ के लिए धन ऐंठने के उद्देश्य से दलितों गरीबों का हक मारकर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ऐसा दृश्य कोराव ब्लॉक के ग्राम पंचायत अहलवा में देखने को मिला, जहां प्रधान और उनके गुर्गों ने दलित बस्ती के लिए स्वीकृत सामूहिक शौचालय लेखपार को पटाकर दलित बस्ती के लिए पर्याप्त भूमि होने के बावजूद फर्जी ढंग से भूमि की कमी दिखा के सामान्य वर्ग की बस्ती में प्रधान ने अपने घर के पिछवाड़े निजी भूमि में इस्तेमाल किया, जहां तकरीबन 10 लाख से अधिक रुपए की लागत का प्रोजेक्ट स्थापित करवा लिया गया। बता दें कि उक्त शौचालय दलित बस्ती में बनना था, जबकि पूरा गाँव ही दलित श्रमिक बाहुल्य है और चकबंदी के बाद से पर्याप्त जमीने दलित बस्ती आबादी व बंजर आदि की उपलब्ध है। इस संबंध में ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि क्या करें, प्रधान ने मनमाने तरीके से दबाव डालकर अपने घर के पीछे बनवा लिया। जन सुनवाई सीएम पोर्टल पर शिकायत किए जाने पर यह निस्तांतरण दिखाया जा रहा है कि बजट मिलने पर दलित अल्पसंख्यक बस्ती में भी बनवा दिया जाएगा। उक्त स्थल पर बोरिंग का कार्य भी पहले से ही प्रधान ने निजी तौर पर अपने व्यवस्था किया, जिसे उक्त प्रोजेक्ट में नया कार्य दिखाकर धन ऐंठ लिया। ग्रामीणों ने इस बड़े पैमाने पर इसका आक्रोश जाहिर किया। न्यूज इंडिया N9 कोराव प्रयागराज से सत्यम तिवारी की रिपोर्ट। बताइए, सामुदायिक शौचालय जो बना हुआ है अलवा देवघाट में जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई देखिए, ये सामुदायिक स्वच्छ शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत हमारे ग्राम सभा में हरियन दलित बस्ती के लिए आया था जी। अनुमानित लागत 15 लाख रुपए थी, जिसमें 10 लाख रुपया तक व्यय दिखाया गया है जी। और वो भी हमारे गांव की निवर्तमान प्रधान श्रीमती जयराजी देवी पटेल ने और उनके पुत्रों ने अपने घर के ठीक पिछवाड़े बनवा लिया है, जिससे हमारे गांव के दलित बाहुल मजदूर श्रमिक वहां शौचालय के लिए नहीं जा पा रहे हैं जी। शौच क्रिया से वंचित है, उनको डर है कि हम जाएंगे और ये सवर्ण बस्ती है, हमको